सब रेडी है ना? हम कब से रेडी हैं? तो हम सीधा कलेक्टरेट जाएंगे। हाँ जी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की शक्ति पूरा केरला देखेगा। मुझे डर है कि हमें मारते हुए देखेंगे। नहीं समझा? नहीं, कुछ लाठी चार्ज हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम कौन सा डांडी मार्च पे जा रहे हैं। आगे खड़े होने की बजाय हम पीछे खड़े हो जाएंगे, फॉलोअर्स को आगे कर देंगे। अरे लेकिन आजकल के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। सबको डरा के जोश खत्म मत करना, कम ऑन। अरे ये क्या, मॉर्निंग वॉक बुलेट पे गए थे? चेंज के लिए ये भी करना चाहिए। अच्छा वो भैया रास्ते में आम के बारे में भी एक कन्वेंशन है ना? हाँ तो? नहीं, दोनों एक शादी एक ही मंडप में करा देते। सुनने में आया है फौजी वाला लैंड हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा उसी डर में विद कोरस। अरे नहीं, ये सफर कलेक्टरेट के लिए। दिक्कत तो लग रहा है, सेक्रेटरीट जा रहे हो? सेक्रेटरीट के लिए एक फुटबोर्ड है, ये कलेक्टरेट मार्च है। ध्यान रखना पुलिस वाले पकड़ के बॉक्सिंग ना कर दे तुम्हारे साथ। आज आप देख लेना दोनों में कुछ होगा। अरे ये एक दो करने के लिए कलेक्टरेट क्यों जा रहे हो, अंदर अलमारी में चले जाओ। चलो जाओ, मार्च लेट मत करना, अप्रैल में हो जाएगा। हाँ एक और बात, आपके लिए गेस्ट है। हाँ कोई गल्फ वाला दोस्त। अरे वो तो सुलेमान है ना, वो हमारा गेस्ट कैसे हो गया? वो घोस्ट है, ये गेस्ट। देखें कौन है। कम ऑन। नहीं नहीं मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ। ये लो। अरे जोस, तुमने तो कहा था 6 महीने बाद लीव मिलेगी, अब अचानक कहाँ से आ गए? पापा का प्रेशर हाई हो गया, बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए, तुरंत घर आने को बोलकर रो रो के फोन किया। अब हमको सिर्फ यहीं से न्यूज आता है। अच्छा सामान कहाँ है? बस एक बैग ही है। हाँ अब सामान यहाँ से खरीदू या वहाँ से, अब सब जगह एक जैसा है। यहाँ तो गल्फ बाजार है हर सिटी में, है ना चंदन भैया? ये तुम कहाँ से खरीदे? जल्दी आना पड़ा तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। तुम बैठो। अच्छा चंदन भैया, वहाँ से खबर है। बोलो। एक अरब औरत की शादी है, वो मालापुर वाला हैडरली है ना, हमारा सुपरमार्केट में काम करता है। वो एक अरेबियन औरत को भगाकर मलेशिया गया बोल रहा है। पहले यहाँ से बहुत सारी औरतों को अरब में लेकर गए थे ना, ये भी होने दो आप। हाँ बिल्कुल, वापस जाके मैं भी मलेशिया जाऊंगा। जोसे मेरा किस्मत देखिए, गल्फ से आते वक्त भी उधारी लेकर घर जाना पड़ता है। बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आज भी। अरे जोसे, सब लोगों को दुख में देखकर भगवान ने जब देखा कि सबकी मदद करनी है तो किसी के हाथ में ज्यादा दे दिया, बस बस यही समझो तुम। और चाहिए तो बताना, इसे भेज दूंगा मैं। लंच पर रुकने के लिए तुम्हें नहीं बोलूंगा, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है चलो। चलता हूँ। ये कितने ज्यादा कर्ज में डूबा होगा, फिर भी बोल रहा है कि ये उधार है, उधार। हेलो। हो सकता है बहुत साल पहले। इतने बड़े घर में हूं यही दिक्कत है, कोई मोबाइल पर कॉल नहीं करता। हेलो जी, मार रहा है गणेशन को कहां? कुत्ते के बच्चे, भाई का चादरम हाथ में रखे, आइंदा उसके पीछे आया तो फाड़ दूंगा तुझे। तुझे जो करना है कर, मैं उसी से शादी करूंगा। तू उससे शादी करेगा? अबे साले, तुम जैसे घटिया राजनीति करने वालों से शादी करवाने के लिए थोड़ी मैं बॉर्डर पे नौकरी करता हूँ। अरे इसे क्यों मार रहे हो तुम? ये कुछ निकले तू कौन? मैं हूँ जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। तो आप ही है इसका भैया, गल्फ वाला? तो सुन लो, मैं उसको सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों को ही शादी करने दूंगा, चाहे वो एक स्वीपर भी हो। तेरे जैसे गल्फ में जाके 4 दिरहम कमा के परफ्यूम डालकर भाव खाने वालों के घर में शादी कराने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है तो तू एक बार और जाके जन्म लेके आ केशवन, इस शादी को रोकने के लिए तू चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेके आ जा, शादी होके रहेगी। वो तेरे घर में बिना शादी के रहे यही चाहता है ना? क्या बे, इस देश में प्यार करने का हक नहीं है क्या? सुनो, इसको वो पसंद है और उसको ये पसंद है तो शादी मैं करा दूंगा, और उसके बीच में चाहे तेरा बाप भी आ जाए, चंद्रन वो शादी करा के रहेगा, समझ गया? तू ही शादी करेगा? Ah!
क्या बोल रहा था? गल्फ वालों को क्या बोल रहा था? तू जिस देश का गार्ड बन रहा है ना, उस देश में जितनी भी सुविधाएं हैं, वो मेरे जैसे हजारों गल्फ वालों की मेहनत का नतीजा है। ऐसे गल्फ वाले के घर में अपनी साली की शादी करने में तुझे शर्म आती है क्या? बोल, बैठो गाड़ी में। बुलाओ उसको। कविता, कविता। मैं चंद्रन, पुरमाइल चंद्रन, इसका भाई हूं मैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बोल के इस घर में किसी बड़े मर्द के ना होने का फायदा उठा के आपके घर में राज करने वाले आपके दामाद ने इसके साथ क्या किया देखिए। इतना तो मैंने इसे आज तक खुद भी नहीं मारा। मैं इसके रिश्ते की बात करने आया हूं। तुम्हें पसंद है क्या ये? पसंद है तो आके गाड़ी में बैठो। बेटी है? नहीं, मत रोकिए। मेरे घर में आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। आप जब चाहे वहां आ सकती हैं, कोई नहीं रोकेगा। हे ईश्वर, हार कहाँ है? लाओ, इधर लाओ, ये लो, तुम लो, तुम भी ले लो। मामा जी के पैर छुओ। ईश्वर आप दोनों को सदा सुखी रखे। अब मैं खुश हूं। छोटी बहनों की शादी करा के बड़े भैया खुश हो गए। लेकिन इनमें वैरायटी है, यहाँ सब भाई हैं। अरे जोक मारा है, हंस लो। सेतु, सिर्फ मिठाई मत खिलाना, सब काम देख लेना। ओके, हम चलते हैं। भाई, सरकारी ऑफिस है, सिगरेट पियोगे तो पुलिस पकड़ेगी। मम्मा, हाँ, वो जो अंकल उस दिन देखे थे ना, ये वही है। आओ चलो। हाँ, शंकरन मास्टर की। हाँ जी। आपने पहचाना नहीं, मैं चंद्रन, राघवन जी का बेटा। आज मेरे भाई की शादी थी, हो गई। और आपकी वाइफ और बच्चे? ये मेरी शादी नहीं है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। और हस्बैंड? वो गुजर गए। यहाँ कैसे? मेरे पिताजी का घर बेटी के नाम रजिस्टर कराने के लिए यहाँ आए हैं। अरे तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। माँ, ये शंकरन मास्टर की बेटी। और माँ देखिए, इसकी बेटी। हम चलते हैं।